राष्ट्रपति महोदय, सड़कें और पुल मांग संख्या 21 पर बोलने का आपने मुझे सुअवसर दिया। मेरा विधानसभा क्षेत्र पिलानी हरियाणा के बॉर्डर पर है। उधर हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहाँ की सड़कें बड़ी शानदार हैं, और जो ही राजस्थान में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एंटर करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। पिछले शासनकाल में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 10 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इस पिलानी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को लेकर के कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसी दुर्गति है ग्रामीण सड़कों की और शहर की सड़कों की भी कि इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास का तात्पर्य सभापति महोदय खाली कंक्रीट के जाल से नहीं है। जब तक कि रोड नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह नहीं हो, तब तक न तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा, न लोगों का आवागमन होगा, और न ही विकास की परिभाषा अगर हम देखें तो उसमें विकसित स्थिति को अपन नहीं कह सकते। जो ही मैंने मुझे जनता ने चुना, मैंने दिनांक 4 जनवरी 2019 को PWD के अधिकारियों से चिड़ावा में बैठ करके बात की और पूरे विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की कि सड़कों की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है और शहर में क्या स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समीक्षा के उपरांत PWD के अधिकारियों से बात करके और जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे साथी थे क्षेत्र के, उन सब से चर्चा करने के उपरांत एक 40 रोड्स की मैंने सूची बनाई थी, 40 रोड्स की पूरे विधानसभा क्षेत्र की एक अच्छी सूची बनाई। उसमें सारे सरपंचों से कंसल्ट किया, सारे गांव के लोगों से कंसल्ट किया, सारे शहर के लोगों से कंसल्ट किया, और वो सूची PWD के एक्शन के मार्फत SC को गई, झुंझुनू को, और SC साहब ने एडिशनल चीफ इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर और राज्य सरकार को वो सूची फॉरवर्ड हुई, रिकमेंड हुई। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनवरी 19 के बाद जो सूची हर MLA को, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, लेकिन मैं चाहता था एक सिस्टम से रोड नेटवर्क को डेवलप किया जावे, इसलिए मैंने मुख्य सड़कें जिनको कनेक्टिविटी जरूरी थी, जिनको बनाया जाना जरूरी था, ये सूची मैंने PWD को भेजी। PWD मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी PWD के मिनिस्टर उस समय थे और जो ब्यूरोक्रेसी में जो भी PWD को देख रहे थे, उनकी टेबल्स तक ये मेरी सूची जा चुकी है। लेकिन अभी तक इस सूची पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से PWD से, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरी सूची 4 जनवरी 2019 की थी और जिसे 31 जनवरी 2019 को झुंझुनू जिले से राज्य स्तर पर भेजा गया, उसको मैं यहाँ रेफर कर रहा हूं, और उसको उस सूची के अनुसार कम से कम वो सूची तो पूरी की जाए ताकि पिलानी विधानसभा क्षेत्र का, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय जाना माना नाम है, उसमें रोड नेटवर्क का अच्छा विकास हो सके। मैं चूंकि समय की कमी है, उस पूरी लिस्ट को मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन वो लिस्ट आपकी अनुमति से मैं माननीय PWD मिनिस्टर साहब को भी और जो ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी सचिवालय में हैं उनको भी मैं दे दूँगा। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि 5 करोड़ रुपये की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सड़क का जो प्रोविजन किया है प्रत्येक MLA के क्षेत्र में, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि बहुत शानदार बजट दिया और रोड नेटवर्क के लिए भी बहुत अच्छे प्रोविजंस किए हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 करोड़ की राशि कम से कम पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए तो कम पड़ेगी, इसलिए वो राशि बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी माननीय ब्रजेंद्र जी ओला साहब बोल रहे थे, झुंझुनू से विधायक हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे की बात करी, जो पचेरी से चिड़ावा तक की रोड की बात वो कर रहे थे। आप भी उसी रास्ते से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो हम भी उसी रास्ते से जाते हैं। दिल्ली में, हरियाणा में विशेष करके वो 4 लेन रोड बन चुकी है और आपके क्षेत्र को भी टच करती हुई वो रोड आती है, चिड़ावा तक भी वो रोड बन चुकी है, लेकिन उसको
चोरी करने की भी जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की भी जरूरत है, और नेशनल हाईवे से टेक ओवर करने की भी उसको जरूरत है, पैसा लेने की जरूरत है, ताकि वो रोड आगे तक बढ़ जाए और फिर दूसरे नेशनल हाईवे में जुड़ जाए। डिफेंस के दृष्टिकोण से भी वो रोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक रेफरेंस हुआ था चिड़ावा से अड़ावता और सुल्ताना की रोड का। देखिए, चिड़ावा मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है और मैं उसी कस्बे का रहने वाला हूँ। ये सड़क भी बहुत ज़रूरी है बनाई जाने, और इसको 7 मीटर, कम से कम 7 मीटर बना करके इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और आगे जा करके ये सड़क जो है जयपुर की दूरी को कम करती है। चिड़ावा से और ये जो आप जयपुर आते हो, अगर वाया सीकर आते हो तो उस डिस्टेंस को, और इस रोड से आते हो तो उस डिस्टेंस में बहुत फर्क है। समय की बचत होती है और फ्यूल की भी बचत होती है, तो वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अगर जब तक नेशनल हाईवे से बात करके इस सड़क को डेवलप नहीं करवाया जाएगा, तब तक वो हरियाणा होते हुए हमारे झुंझुनू जिले को टच करके, जिसमें कई कॉन्स्टिट्यूंसी टच होती है, इस सड़क को बनाया जाना जरूरी है। और इसी प्रकार से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चिड़ावा से अड़ावता और सुल्ताना वाली सड़क को, जो अल्टीमेटली आगे आकर के मेन हाईवे में मिल जाती है, मेन स्टेट हाईवे में मिल जाती है, छोटा सा टुकड़ा है, इसको 7 मीटर का बनाया जाना चाहिए। अभी PWD के को काम जो ब्यूरोक्रेसी स्तर पर देख रहे हैं, वो भी ऑफिसर्स गैलरी में बैठे हैं, वो यहीं नहीं थे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने 40 रोड्स की सूची आप तक पहुंचाई है, माननीय PWD मिनिस्टर तक पहुंचाई है। उस सूची को मैं रेफर कर रहा हूं और उस पर कृपया, जनवरी 19 से वो पेंडिंग पड़ी है, उस पर कार्रवाई की जाए ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। पिलानी विधानसभा क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अंतर्राज्यीय सीमा पर बसा हुआ है। हरियाणा जाते हैं तो रोड देख करके, हमारी रोड देख करके हमको शर्म आती है। कृपया उस सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करें, कुछ पैसे का प्रोविजन भी करें, और प्रोविजन करके उसको और अधिक डेवलप करें। पुलों का कोई विशेष हमारे यहाँ कोई काम है नहीं, मात्र सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, समय की कमी है फिर भी बोलूँगा। पूर्व के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद, हम चाहते ये थे कि ये जो रोड नेटवर्क है, पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो पहले इसको नरेगा में करवा दें, जो ग्रामीण सड़कें हैं उसको नरेगा में करा दें, और नरेगा में कराने के बाद उसका डामरीकरण हम अपने हिसाब से स्टेट से पैसा लेके कर दें। लेकिन तत्कालीन CEO ने कोई ऐसा प्रावधान कन्वे कर दिया कि वो सड़क का काम बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, और ग्रामीण विकास का काम जो देख रहे हैं, पंचायती राज का जो काम मंत्री महोदय देख रहे हैं, उनको कन्वे कराना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से जितनी सड़क आप बना सकते हो वो सड़क बनाएं, और PWD फिर उसको डामरीकरण कर दें, तो क्षेत्र का विकास होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माननीय श्री जब्बर सिंह सांखला।